बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुसीबत से बचाए रखे, हर तकलीफ़ से अल्लाह ताला आप सबको बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो आज जो है फ्राइडे है और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आज जितना भी हो सके अपने प्यारे नबी, सबसे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ के भेजें, जितना भी हो सके। आप दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ें आज। यहाँ पे जो है तो मैं दूध बॉयल किया था, तो मैं अभी बच्चों को दूध दे रही हूँ। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, आज फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है। और जी, अभी मैं बना रही हूँ दोपहर के खाने में, मैं बना रही हूँ बिरयानी बना रही हूँ, जो कि सबको ही बहुत पसंद है और मेरे घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी। तो मैं यहाँ पे चिकन बिरयानी बना रही हूँ और चावल जो हैं वो मैंने वॉश करके अच्छी तरह से और मैं बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। तो अभी मैं चावल बॉयल कर रही हूँ और साथ में जो है तो बिरयानी का मसाला वगैरह मैं रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने प्याज जो है, एक प्याज लिया है, कट कर लिया है और बस ऑयल गर्म करके तो मैं ये प्याज डालती हूँ सबसे पहले। चावल जो है वो बिल्कुल बॉयल हो गए हैं और मैंने पानी जो है वो इसे निकाल लिया है। तो अभी बस मैं यहाँ पे मैं प्याज जो है डाल दिए हैं मैंने और लाइट सा कलर आ जाए, गोल्डन सा कलर, तो फिर मैं इसमें टमाटर काट के रखे हैं, हरी मिर्चें काट के रखी हैं, थोड़ी सी लेमन और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ में जो है तो मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है और हरी मिर्चें डाल दी हैं। और यहाँ पे मैं जो है तो बिरयानी मसाला डाल दूँगी अपनी। ये मैं हाफ डाल दूँगी और इसको मैंने हरी मिर्चें, टमाटर और लेमन काट के डाल दिए थे, उसका अच्छी तरह से मैंने मिक्सर बना लिया। और अभी मैं इसमें ये योगर्ट डाल दूँगी, 1 कप मैंने इसमें योगर्ट डाल दिया है। इसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूँगी और अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए तो फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और चिकन को मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी और फ्राई करके फिर हम रेडी करते हैं बिरयानी का सारा। और अभी मैंने यहाँ पे 4 अंडे ले लिए हैं, इनको मैं बॉईल कर लेती हूँ। और यहाँ पे चिकन मैंने डाल दिया है, अच्छे से मैं इसकी भुनाई करती हूँ, साथ में अंडे भी बॉयल हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने चटनी भी, मज़े की चटनी रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने ये फूड कलर लिया है तो मैं इसे थोड़ा सा पानी में मिक्स करके तो मैं बिरयानी जो बना के ऊपर में डाल दूँगी। और बस यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और जल्दी जल्दी से मैं खाना बना के तो नमाज की तैयारी करनी है। जुम्मे के दिन आप लाजमी जो है सूरह कहफ पढ़ा करें, ज़रूर उसकी तिलावत किया करें। हर
हर जुम्मे को आप ज़रूर सिरकाफ करा करें। और यहाँ पे जो है तो चिकन बिल्कुल रेडी है, तो अभी इसमें से जो है तो मैं ये हाफ चावल निकाल लेती हूँ और फिर मैं बस और बस इसमें से मैंने जो है हाफ चावल निकाल लिए हैं। तो अभी ये मैं सारा इसके ऊपर डाल दूँगी। बाकी के जो चावल हैं वो मैंने ऊपर डाल दिए हैं, फैला दिए हैं सारे इस तरह से, और जो चिकन बाकी रह गया है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी सारा, और फूड कलर थोड़ा सा और ऊपर डाल दूँगी मैं। तो जो अंडे बॉईल करके रखे हैं वो फिर मैं आपको बताती हूँ। अंडे बॉईल करके मैंने इस तरह से काट लिए हैं और ऊपर मैंने धनिया डाल दूंगी काट के मैंने रखा है। हरा धनिया डाल के मैंने अंडे इस तरह से ऊपर मैंने रख दिए हैं और अभी मैं इसको दम पे रख देती हूँ। जी यहाँ पे बिरयानी को दम आ गया है, मैंने नमाज वगैरह पढ़ी है और अभी बस मैं खाना देती हूँ सबको। और बस मैंने इसमें डाल दी है बिरयानी। फाइनल लुक आप देख लें, बहुत मज़े की बनी है।